पढ़ते हैं, थोड़ा सा मन से पढ़ेंगे ना। देखिए बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, जो आपका वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ ठीक है ना, तो उसका क्या इफेक्ट होगा ठीक है ना, वही आपको हम बता रहे हैं। तो इसका बाबू कितना इफेक्ट होगा, लास्ट क्लास हमने बाबू डिस्कस किया था, पहला क्या होता है हीटिंग इफेक्ट होता है, पहला क्या होता है बाबू हीटिंग इफेक्ट होता है ना, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होता है। सेकेंड बाबू आपका क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो हम डिस्कस करेंगे है ना, डिस्कस करेंगे बाबू। थर्ड आपका क्या होता है बाबू, थर्ड आपका क्या होता है केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है ना, केमिकल इफेक्ट होता है ठीक है। तो ये थ्री इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है ना, हम लोग को पढ़ना मतलब क्या था, कोई कहीं भी बाबू उसका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है उसका क्या क्या प्रभाव ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट तो हम हीटिंग इफेक्ट तो आपको हमने बता दिया है ना, बता दिया। अब हीटिंग इफेक्ट में बाबू क्या होगा, जैसे हीटिंग इफेक्ट में ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा, जैसे जो हीटिंग इफेक्ट है किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे है ना, वायर का रेसिस्टेंस कितना ज्यादा, लेंथ ऑफ वायर पे कितना देर तक, मान लिया आप जैसे बाबू मान लीजिए कि आपका ये क्या है वाटर हीटर है ना, वाटर हीटर बाबू, अगर ये वाटर हीटर है, वाटर हीटर बाबू, तो ये कितना देर तक आप उसको पानी में ये माने वाटर को हॉट करो ठीक है ना, जितना देर तक हॉट करो बाबू इससे वायर रहेगा, इससे जो वायर निकला हुआ रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा हीट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा हीट होगा। तो ये सब क्या बाबू हीटिंग इफेक्ट है ठीक है ना। तो आगे हम नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं बाबू कि हीटिंग इफेक्ट का कुछ एडवांटेज है ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट का बाबू क्या एडवांटेज है, जैसे क्या एडवांटेज है, जैसे आप लोग आयरन करते हो, आयरन करते हो ना बाबू, तो आयरन करते हो तो क्या होता है, जो प्लेट होता है आयरन का जो प्लेट होगा वो क्या होता है हीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है वह हीट होता है ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर वो हीट हो रहा है बाबू तो वो आपके लिए क्या हो गया एडवांटेज हो गया, कैसे एडवांटेज हो गया सर बाबू, हीट हो गया उसका प्लेट अगर हीट हो जाता है, या थियोरेटिकल पेपर है ठीक है ना, ये थियोरेटिकल पेपर थोड़ा बोरिंग लगेगा है ना, तो टेंशन नहीं लेना, आपने आयरन किया है ना, इस तरह से आयरन करते तो वो क्या होता बाबू, उसका क्या हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज है ठीक है ना, प्लेट हीट होता है आपका जो भी क्लॉथ है बाबू उसको क्या करते हो प्रेस करते हो है ना, पहला एडवांटेज है। दूसरा बाबू आप देखे हो जैसे इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक बाबू क्या है, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक बाबू गीजर है ना, तो ये बाबू क्या एडवांटेज है, किसका एडवांटेज बाबू गीजर है, इलेक्ट्रिक बाबू क्या है गीजर है ठीक है ना, इलेक्ट्रिक गीजर है ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक गीजर जो आप लोग देखते हो ठीक है ना, जो घर में नहीं रहता बाथरूम बाबू, जैसे पानी क्या होता है हॉट होते गर्म होते, तो वो क्या है हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज है ना, जैसे उसमें रोड रहता है, रोड हीट हुआ गर्म हो और उस जो रोड हीट हुआ वो उस गर्मी को हमने क्या किया बाबू, उस जो एनर्जी निकला ठीक है ना, जो हीट एनर्जी निकला उससे हमको क्या यूटिलाइज किया पानी को गर्म करने में, तो ये क्या बाबू हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज है। और बहुत सारे एडवांटेज है हीटिंग इफेक्ट ठीक है ना, बहुत सारे एडवांटेज है बाबू ठीक है ना। जैसे आपको हो गया इलेक्ट्रिक टोस्टर मशीन, टोस्टर मशीन आप लोग के पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। टोस्टर मशीन में क्या होता है बाबू, जो आपको ये होता है ना जो ब्रेड होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं टोस्ट करते हैं ठीक है ना, तो ये भी उसमें जो टोस्टर मशीन में क्या रहता है वो भी रॉड रहता है, प्लेट रहता है ना, और वो प्लेट बाबू इस तरह से टोस्टर मशीन में क्या रहते हैं, इस तरह से बाबू टोस्टर मशीन में दो प्लेट रहते हैं ना ठीक है, इस तरह से बाबू टोस्टर मशीन में प्लेट रहते हैं ठीक है ना। टोस्टर मशीन क्या रहता है, यहाँ पे मान लो एक इधर एक इलेक्ट्रिक करंट इधर हम प्रोवाइड करते हैं और एक इधर प्रोवाइड करता है, इसी के बीच में हम लोग क्या डालते हैं बाबू ब्रेड डालते हैं ना, तो क्या होता है जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे बाबू, तो ये क्या होगा, ये जो प्लेट है वो हॉट होगा, हीट हो जाएगा। अब हीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और यही हीट एनर्जी आपको क्या करेगा बाबू, जो आपका ब्रेड होता है ठीक है ना, जो ब्रेड होता है बाबू है ना, जो ब्रेड खाता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पाव रोटी है ना ठीक है, तो ये जो ब्रेड होता है बाबू ये क्या होता है थोड़ा सा क्या होता है एकदम मैंने इसको क्या होता है फ्राई हो जाता है ठीक है ना। तो ये क्या हीटिंग इफेक्ट है क्या बाबू, हीटिंग इफेक्ट का क्या बाबू एडवांटेज है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना। और बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे आपका बाबू क्या इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब है बताएं है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब है ये बाबू क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो ना बाबू ये बल्ब नहीं एलईडी वाला नहीं, जो पहले हम लोग आप लोग भी देखोगे जो 100 वाट का बल्ब रहता है जो ग्लास वाला रहता है वो उस बल्ब की बात कर रहे हैं, तो उसमें बाबू क्या होता है फिलामेंट होता है, और जैसे इसमें करंट फ्लो होता है बाबू, करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट क्या होता है हीट होता है, और वही हीट एनर्जी यहाँ किसमें प्रोड्यूस हो जाता है बाबू लाइट, लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ठीक है ना, वही हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा लाइट एनर्जी के रूप में बदलता है ठीक है ना। तो ये क्या एडवांटेज है, यहाँ हीट एनर्जी हीट के रूप में रह गया, यहाँ हीट बल्ब में हीट एनर्जी किसमें हो गया लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया है ना, तो ये क्या बाबू एडवांटेज है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हो कि आपको वीडियो दिखाएंगे जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है बाबू फ्यूज होता है ना, इस तरह से आपको बताया ना फ्यूज का एक बार वीडियो दिखाए थे फिर दिखा देंगे है ना, ये बाबू जो फ्यूज होता है जो आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होगा है ना, जैसे आपके पास इन्वर्टर होगा तो उसके बैक साइड में देखिएगा बाबू कहीं फ्यूज लिखा हुआ होगा, कहीं फ्यूज लिखा हुआ होगा
जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे इन्वर्टर है ना आप लोग के पास, देखिएगा बैक साइड में कहीं फ्यूज लिखा हो रहा है, तो इसमें क्या रहता है बाबू, एक वायर कनेक्टेड रहता है, इसमें क्या रहता है एक वायर कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, जो क्या क्या करता है पता है, जो आपको जो इन्वर्टर है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिस कैसे आपके गार्जियन आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, है कहीं लड़ाई झगड़ा होता तो आपको सेव नहीं करते, तो उसी तरह से बाबू जो ये फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, वो आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ना, ठीक है ना, कैसे प्रोटेक्ट करता है सर बाबू, देखो इसमें हम लोग बाबू कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है टू टर्मिनल होंगे, ठीक है बाबू, कितना दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल इधर होगा एक टर्मिनल इधर होगा, तो मान लीजिए इधर आपका क्या इन्वर्टर है, ठीक है, इसमें बाबू क्या इन्वर्टर हो गया, इधर आपका इन्वर्टर हो गया है ना, इन्वर्टर तो आप लोग देखते ही होगा है ना बाबू, ये आपके घर में है, तो जैसे मान लीजिए इधर से हमने करंट सप्लाई दिया, समझिए फिर इसको हम वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं ना, तो करंट सप्लाई दिया बाबू, तो इसमें पतला सा नैरो एकदम पतला सा वायर होता है, ठीक है ना, और मान लो कि नॉर्मल स्टेट में करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम मूवी देख रहे हो, ठीक है ना, मॉर्निंग में क्लास कर रहे हो इन्वर्टर को, है बाबू, जैसे मान लीजिए लाइट चला गया तो आपका इन्वर्टर ही ना आपको सप्लाई देता है, ठीक है, अब मान लो कभी कभी बाबू मैंने क्या कभी अनकंडीशनल सर्कमस्टांस आ गया, ठीक है ना, मतलब देखते हो ना कभी वोल्टेज राइज होता है कभी वोल्टेज डाउन होता है ना, तो मान लो बाबू किसी कारणवश आपके इसमें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है ना, करंट की मैग्नीट्यूड क्या हो गया, शांति से सुनिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आप लोग वीडियो तो ऑन कीजिए, सौम्या बाबू क्यों बंद किया हुआ, सौम्या बाबू बीच बीच में हम पढ़ाते तो सर वो मैंने अभी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा करके, आप लोग बहुत सारा कर लेते हो ना, चलिए, और ये शैतान दोनों का है ना, हाँ दोनों शैतान का ऑन है, सबसे बड़ा शैतान तो यही दोनों भाई बहन, हाँ बाबू, तो आपको हम क्या बता रहे थे बाबू, एकदम थोड़ा समय इसको वीडियो भी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है बाबू आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए देखते ना कभी घर में है ना कि वोल्टेज बढ़ गया या कभी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ गया, तो जैसे इसमें बाबू मान लो पहले मेरा ये फ्यूज है, मान लो इसमें नॉर्मल स्टेट में 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है ना, अब मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या मान लो कहीं प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा वो 5 एम्पीयर की जगह इसमें एकदम शांति से सुनिए 10 एम्पीयर का करंट फ्लो होने लगा, तो करंट का मैग्नीट्यूड चल गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया बाबू, बढ़ गया, ठीक है ना, तो आपका इन्वर्टर मान लो 5 एम्पीयर के लिए बनाया गया, जैसे आप बाबू आप अगर मान लो 50 केजी का अगर वेट कैरी कर सकते बाबू, ठीक है ना, यदि आपको 100 केजी का वेट कैरी करना कहे तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम राइज होगा, मान लो हमारे जैसे हमारे आप लोग क्या भले भले हो ना आपको 50 केजी वेट कैरी कर सकते हो, यदि बाबू आपके 100 केजी का वेट अगर हम दे दे तो आप क्या हो जाओ, बैठ जाओगे, है ना, तो वैसा ही सिचुएशन हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ होता है, ठीक है ना, उसका एक रेटिंग होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो 5 एम्पीयर है, ठीक है ना, मैंने जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही कैपेसिटी पे वो वर्क करेगा, अगर उससे ज्यादा कैपेसिटी देते बाबू तो देखते नहीं हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना, देखते नहीं कभी कभी धुआं हो जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसी को खराब होने से बचने के लिए बाबू, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब क्या, आपका आयरन हो गया, इन्वर्टर हो गया, ठीक है ना, ये मिक्सी मशीन हो गया, है ना, तो वही सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बाबू हाई करंट मैग्नीट्यूड से बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, जैसे बाबू इसमें करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो ये जो वायर है ना, ये वायर है बाबू ये गल जाता है, अब जैसे वायर ये गल गया या बाबू टूट गया या ब्रेक हो गया तो अब करंट क्या होगा, फ्लो इधर करेगा ही नहीं, करंट आगे बढ़ेगा नहीं, अब करंट आगे बढ़ेगा नहीं तो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाबू क्या हो जाता है, बच जाते हैं ना, डैमेज होने से बच जाते हैं, तो ये सब बाबू क्या एडवांटेज है, किसका एडवांटेज है सर, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज है, अब यही एडवांटेज को हमको निखाना है ना, तो इतना समझते हैं ना, अब देखो आपको हम बता भी देते हैं ना, ठीक है वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है ना, देखिए वीडियो देखिए उसके बाद हम लिखा देंगे लिटरेचर करके, है ना, स्क्रीन शेयर करके देखिए कैसे मेरा फ्यूज वर्क करता है, कैसे मेरा बाबू फ्यूज वर्क करता है ना, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर पेपर है, हीटिंग इफेक्ट क्या बाबू लिटरेचर पेपर ही टोटल है, देखिए बाबू एक तो मेरा ये बोर्ड वाला होगा, एक बाबू देखिएगा इंजीनियरिंग क्लासेस वाला होगा, वहां पे डबल क्लिक कीजिएगा ना तो दिखाई देगा आपको, एक डबल क्लिक कीजिएगा वो इंजीनियरिंग क्लासेस पे आप लोग, तो वो वीडियो पिन हो जाएगा जो लैपटॉप का है, दिखाई दिया सभी को, यस सर, ठीक है, आपको अभिनव बाबू अभिनव प्रकाश, यस सर, हाँ बाबू, तो कृपया कर डिस्प्ले पे राइट मत कीजिए, अपने डिस्प्ले पे राइट कीजिएगा, देखिए आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग राइट किए ना,
सभी वीडियो आप ही लोग के लिए बाबू, ये सब जितना भी सारा सब आप लोग के लिए ही है, ठीक है ना। खुद हम खोज रहे हैं कहाँ है नहीं है, अभी यहाँ पे है, अभी तो इसको हम सभी आप ही लोग के लिए बाबू, कहाँ गया, कॉपी पेस्ट तो किए थे। कहाँ भाग गया बाबू मेरे, रेसिस्टर यही है क्या? ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है बाबू। ये भी पढ़ाएंगे आपको, टेंशन में, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये बताएंगे है ना, ये आपको बताएंगे बाबू। गया मेरा कहाँ, कॉपी नहीं हुआ इसमें है क्या? चलिए बाबू लगता चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत रास्ते हैं ना। ओके तो हो जाओ पेन ड्राइव में तो था। यूट्यूब चलाइए सर, यूट्यूब। हाँ बाबू ओपन होंगे तब ना, मल्टीटास्किंग है ना, आपका क्लास भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, बहुत सारे हो रहा है ना। देखिए दो फोल्डर शायद ओपन हो गए, हम रिकॉर्ड किए थे, अपलोड भी किए हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए ठीक है बाबू, हाँ बाबू देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है सभी को? यस सर। चलिए एडवर्टाइजमेंट भी इतना आते हैं ना, परेशान करके रख देते हैं। मल्टीटास्किंग में सिस्टम लैगिंग करता, ये क्या होगा? चले बाबू कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको ये इसे दिखा देते हैं, इसमें हमको दिख नहीं रहा, ये तो बंद हो गया, भेजे तो है कहाँ चला गया, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। क्लोज सर्किट ओपन सर्किट, चलिए आपको हम दिखाने की कोशिश करें, मोबाइल से, मोबाइल में होगा, यूट्यूब चला ही नहीं है ना, मोबाइल से दिखाने की कोशिश करें बाबू। दिख रहा है बाबू सभी को? बाबू मेरे दिख रहा है सभी को? नहीं कि नहीं दिख रहा?
यस सर दिख रहा है। हाँ बाबू चलिए तो आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, आज मेरा 4 मिनट बर्बाद हो गया ना। देखिए बाबू यही आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है आपको, यही बाबू फ्यूज है, ठीक है ना। ये जो फ्यूज होता है बाबू, ये जो फ्यूज होता है ना, ये आपको कहाँ यूज करते हैं? ये बाबू हम लोग यूज करते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, इन्वर्टर हो गया या टीवी हो गया, उसके पीछे में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा और यही आपको यूज होता है फ्यूज, ठीक है ना बाबू? ठीक है ना। चलिए सर, पर जो बल्ब होता है उसमें तो इतना बड़ा नहीं होता है। कौन सा बल्ब बाबू? सर जो लगता है घर में। बल्ब में फ्यूज नहीं रहते बाबू, बल्ब में फ्यूज कहाँ रहते हैं? बल्ब में ये फिलामेंट होते हैं ना। चलिए देखे नेक्स्ट, देखे बल्ब में फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्यूज आपको दिख रहा है बाबू, ये जो फ्यूज दिख रहा है, देखिए ना इसमें क्या क्या होगा, आज तो ज्यादा नहीं हो पाएगा टाइम, 5 मिनट बर्बाद हो गया। ये जो दिख रहा है बाबू, ये आपका बोर्ड में फ्यूज रहता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना उसमें मेरा इस टाइप के फ्यूज रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये एक कॉन्टेक्ट हो गया, एक दूसरा कॉन्टेक्ट, इसी के बीच में वॉशिंग मशीन वगैरह में भी होता है क्या? हाँ बाबू, वॉशिंग मशीन में नए वाला में होंगे, पुराने वाला में नहीं, आजकल पुराने वाला में नहीं आपके मिल सकते, ठीक है ना। नया वाला हाँ, तो नए वाला में देखिएगा लिखा हुआ होगा कहीं, फ्यूज यूज किया हो रहा है बहुत होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अब वो आगे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये भी बाबू देखिए, ये भी आपका फ्यूज ही है, ठीक है ना। ये भी बाबू आपका फ्यूज है, लेकिन ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? घर के बाहर उसको यूज करते हैं, ठीक है ना बाबू। मतलब फ्यूज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फ्यूज होते हैं। देखिए बाबू मेन, देखिए फ्यूज का पर्पस क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रिकल अप्लायसेंस है या जो घर में बोर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सेव करने का काम करता है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना फ्यूज, फ्यूज का काम ही बाबू टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता, सुरक्षा प्रदान करता। कैसे करता आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं। देखिए बाबू ये आपको दिख रहा है ना, ये बोला ये बाबू देखिये नॉर्मल फ्यूज है, और ये बाबू इसको हम लोग कहते हैं MCB कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जो घर के बाहर बोर्ड में आप पहले तो लोग यही सब यूज करते थे ना, अब थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस हो रहा बाबू तो इस तरह से सर्किट, ये इस तरह से फ्यूज यूज करते हैं। इसमें भी वही जो मेन पर जो बाबू जो वर्किंग प्रोसेस है इसका, वही वर्किंग प्रोसेस इसका, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। मतलब इसमें आपको जैसे करंट हाई होगा ना तो तुरंत ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग कहते हैं MCB, ध्यान रखे बाबू MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखे दिखा रहे हैं हम, आज तो ज्यादा MCB बाबू, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक मिनट के बाद सर, उसमें रेड कलर का क्या था वो बाबू? बता रहे हैं रेड कलर का क्या था, देखिए यही है ना, देखे बाबू यही है MCB आपका। ये बाबू क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए हाई वोल्टेज, इसमें दो टर्मिनल होंगे, एक इस साइड टर्मिनल होंगे, एक इस साइड टर्मिनल होंगे, दो शांति से सुनिए, ठीक है ना। तो दो टर्मिनल जैसे बाबू मान लीजिए कि आपका करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, जैसे मान लीजिए सर्किट मेरा 5 एम्पीयर करंट की, जैसे आपको बोले ना बाबू कि मान लीजिए आप 10 किलो वेट उठा सकते हो, आप पे मैंने 100 वेट दे देंगे तो आप क्या होगा, बैठ जाओगे। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होता है, ये मान लीजिए 5 एम्पीयर करंट को बाबू पास कर सकता है, अगर मान लो किसी कारण बस फॉल्ट हो गया और ये 10 एम्पीयर करंट को अगर पास होने लगा बाबू, तो ये जो ये है ना, ये बाबू इसको हैंडल करता है, ठीक है ना, ये अपने से ट्रिप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और बीच में जो भी वायर रहेगा बाबू ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब पुनः जैसे आपको नॉर्मल होगा तो इसको ऊपर किया जाता है MCB को, ठीक है। तो इसी को कहते हैं MCB, कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। सबका वर्किंग प्रोसेस सेम ही है बाबू, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग देखे होगा घर में, ठीक है ना, ये देखिए, ये बहुत सारे MCB हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है, देखिए दिखा रहे हैं फिर से, थोड़ा सा बैक करें। हाँ बाबू, ये आप देखे हो घर के बाहर के बोर्ड में रहे हो, जो अपार्टमेंट होता है बाबू या जिसका घर ठीक ठाक रहता है ना, हम लोग के घर में तो पुराना वाला है ना तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हर एक, जैसे यहाँ क्या होता है बाबू, हर एक रूम का एक MCB होता है। जैसे एक आपका टीवी रूम हो गया, एक बेडरूम हो गया, एक लिविंग रूम हो गया, तो हर एक रूम के, मैंने हर एक रूम के बाहर एक